तयबा जी बच्चों आज का जो टॉपिक है वो हमारा है फाइनल अकाउंट्स से रिलेटेड उसको सॉफ्टवेयर में सोल्व किस तरीके से करना है और उससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज की रिवीजन काफी डिटेल में कोशिश करेंगे रिवाइज करें इसको आ, सिर्फ सिर्फ मुझे कोई मैसेज में लिख ये बता दे कि आवाज आ रही है सै आप लोगों को कैन यू लिसन मी इजीली ओके अगली चीज ये बताएं कि क्या आप लोगों ने सॉफ्टवेयर को यूज किया है या नहीं किया इसको देखा है या नहीं देखा अच्छा अभी तक नहीं देखा किसी ने देखा है किसी ने नहीं देखा कुछ ये सिचुएशन है तो ये सॉफ्टवेयर जब तक आप देखेंगे नहीं कि ये वाला सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है और हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन किस तरीके से करना है तो मेरे नजदीक आप प्रॉपरली काम नहीं कर सकेंगे प्रॉपर्ली अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू टैकल द क्वेश्चन इन द पेपर जब आप पेपर में जाएंगे और फर्स्ट टाइम आप सॉफ्टवेयर देख रहे होंगे कि इसको हमारे हमें क्वेश्चन किस तरीके से आना है तो जब आपको यही नहीं पता होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आना है और आपको सॉल्व किस तरीके से करना है तो आप तो बिल्कुल डोल हो जाएंगे पहली चीज दूसरी चीज ये है कि हमारे पास प्रैक्टिस मटेरियल पहले काफी कम था कुछ पास पेपर्स थे जिसको हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे अब एग्जामिनर ने रिसेंटली 2024 में एक एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं जो आपके पास स्क्रीन पर आई की साइट का एक चीज नजर आ रही है यहाँ पर बड़े अच्छे से क्वेश्चंस मौजूद हैं वेरी गुड प्रैक्टिस मटीरियल और इसमें से भी हम अगले चंद दिनों में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इनशाला परफॉर्म करेंगे काफ़ी दिन मौजूद हैं इनशाला मेरी कोशिश होगी डेली बेसिस पर इसी टाइम पर अप्रोक्सीमेटली नाइन ऑनवर्ड्स कोई ग्यारह बजे तक मैं आपको टाइम दू और दूसरी चीज ये है कि रमजान शरीफ जब शुरू हो जाएगा तो बारह तारीख से रमजान शरीफ शुरू हो जाएगा बारह तेरह चौदह पंद्रह ये तीन चार दिन जो होंगे इन दिनों के अंदर हम टाइमिंग अपनी चेंज कर लेंगे क्योंकि इस वक्त फिर तरावी का वक्त होगा फिर हम टाइमिंग को ले आएंगे पहले इफ्तारी से पहले इनशाला तो ये तो कुछ अनाउंसमेंट होगी आप लोगों के लिए कि हम कोई तीन एक बजे या साढ़े तीन बजे शुरू कर कर या एक एक हिस्सा कर लें असर की नमाज से पहले फिर असर की नमाज की ब्रेक करें फिर असर की नमाज के बाद आ, मजीद काम कर लें ये आप लोगों के लिए फैसिलिटी होगी मेजरली मेरा टारगेट ये होगा कि मैं आपको फाइनल अकाउंट में के अंदर बहुत अच्छा सा प्रिपेयर करवा दूँ और फाइनल अकाउंट आपका बहुत अच्छा सा हो जाए फाइनल काउंट अच्छा सा हो जाएगा तो ओवरऑल बाकी के क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे इसके अलावा कुछ एमसी भी हम इनशाला डिस्कस कर रहे होंगे विद द तो लेट uh, स्टार्ट के सॉफ्टवेयर कहाँ से आपको मिलेगा कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और फिर वो लॉग uh, कैसे करेंगे पहले सबसे पहले इसकी गाइडेंस दे दूं मैं आपको uh, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं पता ये आई की वेबसाइट आई कैप की वेबसाइट पे आप लॉग कर लेंगे स्टूडेंट्स में जाएंगे स्टूडेंट्स के अंदर स्टडी रिसोर्सिस में जाएंगे यहाँ पर आपको पी आर सी प्री के ऊपर जाना है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगी स्कोप ऑफ स्टडीज स्कोप ऑफ स्टडीज के अंदर आप जाएंगे तो यहां पर आपको आपका सिलेबस मिलेगा पीआरसी का सिलेबस फिर आपको यहाँ पर मॉडल पेपर मिलेगा यहां पर आपने आना है ये जो दूसरे नंबर पर मॉडल पेपर है ये वाला ये जो मॉडल पेपर है ये आपका है एमसीक्यू से रिलेटेड आप इसको क्लिक करेंगे डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी दूसरा है आई टी ए प्रैक्टिस क्वेश्चन ये आप क्लिक करेंगे तो इसकी डाउनलोडिंग हो जाएगी आप स्टार्ट डाउनलोड कर देंगे तो ये डाउनलोडिंग शुरू हो गई डायरेक्टली uh, भी हो जाएगा आई वगैरह किया होगा तो उस जरिए भी हो जाएगा समाओ मेरे पास ये डाउनलोडेड पड़ा हुआ है मैं फिलहाल इसको क्या कर देता हूँ कैंसिल कर देता हूँ हाउ टू रन दिस सॉफ्टवेयर इसके अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा होगा आई टी ए यूज़र नेम है नहीं है मैं आ जाता हूँ सीधा सीधा सा डाउनलोड्स में अपने पास और हम वहाँ से इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसको रन करना है डाउनलोड्स में मैं यहाँ पर आऊँगा और मुझे कहीं पर आई टी ए प्रैक्टिस क्वेश्चन ये लिखा हुआ मिल गया ये मैं ओपन करूंगा ये ओपन होगा तो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा इसमें ये असेसमेंट मास्टर डॉट एक्जी ये आपने क्लिक करना है इसको आपने क्लिक किया ये एक मिनट लेगा और सारी फाइल को एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा सॉफ्टवेयर ओपर होगा यूजर नेम आप आई टी ए देंगे पासवर्ड आप वन टू थ्री देंगे ये सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो जाएगा और फिर हम चलते हुए सॉफ्टवेयर के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन वहाँ पर आ रहा होता है हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है किस तरीके से हमें ऑप्शन मिलेंगी और जो रिसेंट गाइडेंस आई है आई की उससे हमें इसके अंदर मज़ीद एक जैसे कहते हैं ना जान नज़र आती है कि आ, आई कैप ने जो प्रैक्टिस मटेरियल दिया है रिसेंटली रफली बीस एक क्वेश्चन उसने दे दिया फाइनल काउंट के क्या आप उसको प्रैक्टिस करें और बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस वेरी गुड प्रैक्टिस होगी ओबियसली वो तो हम इनशाला उस प्रैक्टिस को भी देख रहे होंगे इनशाला इस रिवीजन सेशन के अंदर <coughs> ये हमारी लोडिंग हो गई लोडिंग होके ये चल पड़ा सॉफ्टवेयर चलो आ जाओ भाई ये आ गया जी सॉफ्टवेयर स्टूडेंट आईडी आपका आईटीए है आईटीए, पासवर्ड आपका वन टू थ्री है आपने लॉगिन कर लिया ये, ये लोड होके ये आ गया हमारे पास हमारे पास इस प्रैक्टिस के अंदर मटेरियल में दो क्वेश्चन अवेलेबल हैं इस सॉफ्टवेयर को डील करने में दो आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल हैं एक क्वेश्चन नंबर वन वाल सेफ ट्रेडर के नाम से है ये हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया मुकम्मल लेफ्ट साइड पर लेफ्ट साइड पर हमें ये क्वेश्चन नजर आ रहा होगा और राइट साइड पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये दो तीन डॉट्स नजर आ रहे हैं नीचे हमें एक शीट दी हुई है प्लस माइनस और काम करने के लिए और टॉप के ऊपर हमें ऑप्शन दी हुई हैं ये रेवेन्यू की ऑप्शन हैं एक दो तीन इनमें से कोई एक सेलेक्ट करेंगे जो कि ठीक होगी तो हमें मार्क्स मिलेंगे रफली कह सकते हैं मेरा ओपिनियन तो ये था एक मार्क्स एक लाइन आइटम का बनता है तकरीबन पॉइंट सेवन फाइव भी हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकते हैं बात कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें ऑप्शन ज्यादा हैं, जैसे यहाँ पर यहाँ पे दो तीन लाइन आइटम्स हैं तीन चार पांच ऑप्शन वो आ, डाटा के अंदर लिखी हुई हैं चीजें तो इसके मार्क्स ज्यादा होंगे दो अढ़ाई मार्क्स हो सकते हैं तीन मार्क्स भी हो सकते हैं तो जितनी ज्यादा उसके अंदर एडजस्टमेंट्स होंगी उतने ज्यादा मार्क्स उसके आ जाएंगे अगर एक लाइन आइटम के तीन एडजस्टमेंट्स हैं तो हो सकता है उसके तीन मार्क्स हो एक लाइन आइटम में सिर्फ और सिर्फ एक, एक एडजस्टमेंट आ रही है और वो सही सेलेक्ट होगी तो उसका एक मार्क्स होगा मोस्ट प्रोबेबली तो आ, इस सॉफ्टवेयर के मुताबिक तो तकरीबन तकरीबन एक एडजस्टमेंट एक आ, लाइन आइटम को हिट कर रही है या दो लाइन आइटम्स को एक एडजस्टमेंट हिट कर रही है लेकिन जो जो रिसेंटली नया मटेरियल अप हुआ है आईकेफ की तरफ से उसमें उसने मार्क्स तक बताए हुए हैं हम वो भी देखते हैं अभी तो होप्स आपको कम से कम ये अंदाजा हो गया कि आपको एक लाइन आइटम्स में प्लस माइनस प्लस माइनस करके आपको ऑप्शन मिलेंगी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिस में भी प्लस माइनस प्लस माइनस करके ऑप्शन मिलेगी अब मुझे आपसे थोड़ा सा फीडबैक चाहिए बहुत सारे स्टूडेंट से कि आपको क्या फाइनल अकाउंट प्लस माइनस प्लस माइनस में करना आता है या नहीं आता क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा हो आपको जब तक वो तरीकाकार नहीं आता होगा आप उस तरी आप सही तरीके से चीजें सॉल्व नहीं कर सकेंगे मुझे मेजोरिटी से आंसर ये इस चीज के ऊपर चाहिए आपको प्लस माइनस प्लस माइनस करके फाइनल काउंट सॉल्व करना आता है या नहीं आता है किसी ने कहा आता है किसी ने कहा नहीं आता नहीं आता जी बाकियों का भी फीडबैक चाहिए डेबिट क्रेडिट वाले तरीके से आता है नहीं आता कोई कह रहा आता है कोई कह रहा है नहीं आता अब अगर कोई मेरे स्टूडेंट्स बैठे हो अपने ही तो उनको तो आता मुझे पता है बाकियों से मुझे आ, क्या नाम है फीडबैक चाहिए एक कमेंट आया सर न्यू पॉलिसी में तो डेबिट क्रेडिट वाला तरीका तो पॉसिबल नहीं है ये कौन सा तरीका कार है प्लस माइनस प्लस माइनस तो डेबिट एंड क्रेडिट का ही तरीका का रहा है डेबिट एंड क्रेडिट का ही तरीका तरीकाकार है टोटली डेबिट एंड क्रेडिट की लॉजिक के ऊपर मैं तो अकाउंटिंग के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट से नॉर्मली uh, हटता ही नहीं हूं मैं डेफिनेटली करवाऊंगा मैं इस करवाने के लिए ही बैठा हूं सबसे पहले आपको एक चीज दिखानी थी कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से डील कर रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके कर रहा है डेफिनेटली करवाऊंगा इंशाला करना किस तरीके से है वो भी बताऊंगा बड़ी डिटेल में इंशाला डिस्कशन होगी अगले बहुत सारे दिनों में हमारी इस चीज के ऊपर डिस्कशन होगी फाइनल अकाउंट के सवाल के ऊपर क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को या तो टी अकाउंट आते हैं आई थिंक सो टी अकाउंट के जरिए और आ, कुछ को डेफिनेटली शायद प्लस माइनस या डेबिट एंड क्रेडिट के जरिए आता है लेकिन अक्सर मेजोरिटी को आ, जो क्वेश्चन को डील करना आता है वो इस तरीके से नहीं आता और यही रीजन है कि वो मार्क्स बहुत जरा डिफिकल्ट से ले पाते हैं फाइनल अकाउंट के सवाल के अंदर जब तक वो पूरे टी अकाउंट बना ना ले पूरा आंसर आ ना जाए होता नहीं है उनसे और फिर कभी भी वो मार्क्स प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाते हैं बेटा मैं सिखा दूंगा डेबिट एंड क्रेडिट का तरीका कार कौन सा है जनरल एंट्री का तरीका कार कौन सा है और किस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है मैं डेफिनेटली करवाऊंगा सॉफ्टवेयर से भी करवाऊंगा आपको इसकी एग्जामिनेशन टेक्निक्स भी बताऊंगा मैं फीडबैक सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ले रहा था कि मेजोरिटी को ये चीज नहीं आती आई गेस और यही मुझे फीडबैक मिला कि मेजोरिटी को ये चीज नहीं आती है डेबिट एंड क्रेडिट के तरीके कार से नहीं आता जर्नल एंट्री के तरीके कार से उन्हें नहीं आता दे यूज टू मेक द टी अकाउंट इज इट सो क्या आप लोग टी अकाउंट बनाते हैं बहुत सारे ढेर सारे और एडजस्टमेंट्स uh, को फिर टी अकाउंट में सॉल्व करके और एक्सपेंसेस uh, को टी अकाउंट में सॉल्व करके और फिर फाइनल एक वैल्यू बनाते हैं और फिर जाकर देखते हैं वो आती है नजर या नहीं आती है आ, किसी को नजर आती है किसी की मैच भी नहीं हो पाती है इज इट हो अगर आप इसको उस तरीके कार से करने की कोशिश करें तो शायद आ, आप लोगों से फिर शायद जो टी अकाउंट से करते हैं नहीं हो पाएगा I guess. Somehow, let's start. अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए इस चीज को स्टार्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है अभी मैंने जेनुअनली बेटा कोई क्लास का काम नहीं किया यस yes, रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा ऑब्वियसली इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा स्टार्ट में तरीकाकार सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का बताया है कुछ स्टूडेंट से कोई क्यूरीज पूछी हैं तो डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग कोशिश करूंगा शेयर कर दूं सम लाइव का मजा है वो रिकॉर्डिंग का मजा नहीं है लाइव में आप मेरे क्वेश्चन के आंसर कर रहे होंगे मैं आपसे क्यूरीज पूछ रहा हूँ आप मुझे आंसर कर रहे होंगे और कोई भी चीज समझ नहीं लगती तो फौरी तौर पर आप क्या कर सकते हैं मुझसे पूछ सकते हैं लेकिन रिकॉर्डिंग में तो जो सी चीज हो गई सो हो गई डन स्टार्ट नाउ अब इस तरह के क्वेश्चन को डील करने का तरीका कार पहले समझ लेते हैं फिर सॉफ्टवेयर को भी देखेंगे कि जनाब सॉफ्टवेयर में सॉल्व कैसे होगा पहले तरीका कार आता होगा कुछ जर्निटीस का वे आउट आता होगा तो फिर हम कर पाएंगे मसलन मैं सॉफ्टवेयर से ही आपको कर कर दिखाता हूं थोड़ा सा अभी इसको हम साइडलाइन कर देते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं ये रेवेन्यू आ गया यहाँ पर हमारे पास नॉन करंट एसेट है इसी फॉर्मेट के ऊपर ही हमें काम करना है मसलन यहाँ पर हम एक एडजस्टमेंट पर जाते हैं और हमारी है एडजस्टमेंट प्री पेमेंट इंक्लूड्स अब प्री पेमेंट्स हमारे पास आ रही है यहाँ पर यहाँ पर ७८० अगर आप यहाँ पर देखें इस जगह पर ये चौथी पांचवी लाइन ७८० सौ अस्सी प्री पेमेंट्स आपको नजर आ रही होगी तो फाइनल अकाउंट को डील करने का तरीका सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को पोस्ट किया जाता है यू शुड है पेपर पेपर के ऊपर जिस फॉर्मेट पे आपको ये डाटा दिया हुआ है रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ सेल्ड जीपी सेलिंग एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एडमिन एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट अदर इनकम फाइनेंशियल चार्जेस नेट प्रॉफिट जिस तरतीब से ये दिया हुआ है इसी तरतीब से आपने अपने पेपर पे लिख लेना है सेम फॉर्मेट फॉर्मेट होना चाहिए अगला जो दिया हुआ है एसेट्स का का उसको उसी फॉर्मेट पर लिख देना ट्रायल बैलेंस को पोस्ट कर देना है रेलेवेंट प्लेसेस के ऊपर उसके बाद आगे एडजस्टमेंट्स की डबल एंट्री पास करनी है दिस वुड बी द वे आउट टू डील इन डेबिट एंड क्रेडिट और प्लस माइनस की साइंस में बिल्कुल समझाऊंगा इंशाल्लाह अब प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट जो है वो है प्री पेमेंट में फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है तीन लाख का अब रुपीज थाउजेंड में डाटा है तो इसका मतलब ये तीन सौ बनेगा पेड फॉर ऑनर पर्सनल प्रेमिस प्री पेमेंट में शामिल है ऑनर की पर्सनल प्रेमिस एनुअल पॉलिसी इज वैलिड अप टू इकतीस मार्च इक्कीस अब अगर मैं दूसरी जगह पर दूसरी फाइल में जाके आपको इस एडजस्टमेंट को थोड़ा सा पहले समझा दूं फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर कह रहा है प्री पेमेंट में शामिल है इंक्लूड्स तीन सो तीन सो शामिल है प्री पेमेंट में जो के बिलोंग करता है ड्राॅइंग से ओनर की पर्सनल और जब ओनर की पर्सनल चीज आ जाती है तो पॉलिसी को नहीं देखा जाता अब इसका मतलब जो प्री पेमेंट सात है पहले से शामिल है इनक्लूड का मतलब यहां पे मसला है यहां पे कोई गलती है अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर या फिर ईयर एंड एडजस्टमेंट ये एक ही चीज है इसका रूल ये है कि जो सी चीज गलत है गलत को रिवर्स कर दो और सही को रिकॉर्ड कर दो अब प्री पेमेंट में गलत लिखा हुआ है प्री पेमेंट में एक ड्राइंग शामिल कर दी गई है तो मैं इसकी एंट्री बनाऊंगा कि ड्राइंग में हो जा, चीज जानी चाहिए थी ड्राइंग स्टैबिट और प्री पेमेंट क्रेडिट कितने से तीन सौ से अब हम आते हैं ये दो चीजों को एडजस्ट कर रहा है एक ड्राइंग और एक प्री पेमेंट रूल क्या है रूल ये है कि डेबिट नेचर होती है एक और एक होती है क्रेडिट नेचर रूल ये है कि डेबिट में डेबिट एंट्री ऐड होती है और क्रेडिट एंट्री लेस होती है और क्रेडिट में क्रेडिट एंट्री ऐड होती है और डेबिट एंट्री लेस होती है दिस इज द रूल ऑफ प्लस माइनस एंड रूल ऑफ जनरल एंट्री अब प्री पेमेंट और ड्राइंग्स दो लाइन आइटम्स हैं प्री पेमेंट और ड्राइंग्स। प्री पेमेंट ट्रायल बैलेंस में आ रही थी हमारे पास 780 780 और ड्राइंग्स आ रही थी 8480 मैं ये दोनों वैल्यूज ट्रायल बैलेंस की एज अ सैंपल में पोस्ट कर लेता हूं 780 और चौरासी अस्सी सात सौ अस्सी चौरासी अस्सी ये ट्रायल बैलेंस की वैल्यू है अब इसके बाद एडजस्टमेंट हुई प्री पेमेंट की नेचर भी डेबिट है ड्राइंग्स की नेचर भी डेबिट है अब मैं प्लस माइनस इस लॉजिक के तहत करूंगा अब आपने मेरा साथ देना है ड्राइंग्स क्या हुआ है डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है ड्राइंग्स जर्नल एंट्री में क्या हुआ है डेबिट और क्रेडिट ये साथ साथ आपने बोलना है तब ये आपको चीज तरीका कार समझ लगेगा अदरवाइज ये तरीका कार समझ नहीं लगेगा ये प्री पेमेंट सात सौ अस्सी भी डेबिट है और जर्नल हुआ है और डेबिट में डेबिट ऐड होता है दूसरी साइड प्री पेमेंट हो गई क्रेडिट प्री पेमेंट क्रेडिट का मतलब डेबिट में से क्रेडिट लेस होता है तो ये मेरी प्लस एंड माइनस की होगी साइंस अब चल के सॉफ्टवेयर में दो लाइन आइटम्स आपकी क्या हो जाएंगी सिलेक्ट हो जाएंगी आपने ये वाली जर्नल एंट्री बनाई और जब सोच ही एडजस्टमेंट हो जानी है ये तो आपको तरीकाकार नहीं आता था ना अब अगर आपने ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है तो अब आप दो जगहों पर ये ट्रायल बैलेंस वाली जो आपने पोस्टिंग की हुई है उसमें दो जगहों पर जाके अपने पेपर पे एडजस्टमेंट लिखेंगे इसी तरीके से इसका एक और शॉर्टकट भी है वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा कंट्रोल भी है हमारा उसको एक दो दिनों में डिस्कस करूंगा ताकि आप फेमिलियर हो जाए इस चीज से तो सात अस्सी में से तीन माइनस करेंगे चौरासी अस्सी में तीन सौ जमा करेंगे यूजिंग दिस रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और यूजिंग दिस जर्नल एंट्री जो आपने रेक्टिफाइंग एंट्री बनाई है ये जब तक नहीं बनाएंगे बात नहीं बनेगी एक होता है रट्टा करेमिंग के इसको इधर लिख दो इसको इधर लिख दो और जो ही जर्नल एंट्री उसके हल्का से ओपोजिट आती है तो फिर वो सारा का सारा लिखा गया आउट हो जाता है अब चलते हैं सॉफ्टवेयर में जाकर देखते हैं कि हमारे पास प्री पेमेंट में ऑप्शंस कौन कौन सी आ रही हैं सात सौ अस्सी में एक दफा तीन सौ जमा हो रहा है और एक दफा तीन सौ माइनस हो रहा है और एक खाली तीन सौ अस्सी लिखा हुआ है तो प्री पेमेंट में हमने जो बनाया ये वाला बनाया ड्राइंग्स में जाकर बनाया तो यहां पर भी देखें चौरासी में तीन या माइनस हो रहा है या जमा हो रहा है तो ड्राइंग्स डेबिट हुई थी डेबिट में डेबिट ऐड हुआ था ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट हो गई दो लाइन आइटम्स आपकी पूरी हो गई जो ही दो लाइन आइटम्स आपने सही सिलेक्ट की आपके दो मार्क्स पक्के हो गए गॉट द पॉइंट क्या आपको इस बात की समझ लगी है कि पेपर में मार्क्स अचीव करना मुश्किल नहीं है अगर आप एडजस्टमेंट को सही डील कर लें तो दो लाइन आइटम्स आपकी क्या हो गई पूरी हो गई अब चाहे सेल्स आपने लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई चाहे आपने प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट लिखा हो या नहीं लिखा चाहे बाकी चीजें लिखी हुई हैं या नहीं लिखी हुई आपके दो मार्क्स पूरे हो गए क्योंकि दो लाइन आइटम्स पक्की सही हो गई और आपको तरीका का थोड़ा थोड़ा सा आ गया है कि इसको डील किस तरीके से करना है अच्छा मैं एक और आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा फिर ये वाले सॉफ्टवेयर वाली कहानी हम इन एक दो दिन बाद कोई इससे मुश्किल वाला सवाल करेंगे एक क्वेश्चन नंबर वन है इसकी मुश्किल एडजस्टमेंट मैं डिस्कस कर दूंगा एक आसान एडजस्टमेंट वो डिस्कस नहीं करूंगा मीन्स अभी आपको तरीका कार सिखाना है अभी आपको क्या करना है तरीकाकार सिखाना है कि ये साइंस क्या है अगली एक और एडजस्टमेंट देखते हैं एडवांसेस रिप्रेजेंट्स थ्री मंथ एडवांस सैलरी टेकन बाय सेल्स सेल्समैन ऑन फर्स्ट नवंबर बीस यह अब एक प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट आ गई एडवांस में शामिल है तीन महीने की एडवांस सैलरी टेकन बाय सेल्स सेल्समैन ऑन फर्स्ट नवंबर बीस एडवांस रिप्रेजेंट मीन्स एडवांस सारे का सारा बस ये तीन महीने की सैलरी है जो कि फर्स्ट नवंबर को ली गई है अब एडवांस जो है आपका आ रहा है वो आ रहा है 240 का अगर हम जाएं और इस सेंट्री को लिखने की कोशिश करें और देखें कि ये हमारा साल है इकतीस दिसंबर हमारा ईयर एंड फर्स्ट नवंबर को तीन महीने की सैलरी एडवांस में दी गई है नवंबर दिसंबर और जनवरी तो इसका मतलब दो महीने तो हमारे साल से बिलोंग करते हैं एक महीना ही अगले साल से रिलेट करता है तो ये एडवांस में पड़ी हुई है हालांकि हमारा जो दो महीने ये तो जेनरली सैलरी एक्सपेंस में जाना चाहिए तो हमारा एडवांस जो था वो टोटल दो सौ चालिस तकसीम तीन एक महीने का 80 हो गया 80 इस महीने का है 80 इस महीने का और 80 इस महीने का है इसका मतलब ये दो महीने तो मेरे एक्सपेंस में जाने चाहिए एडवांस में बाकी तो सिर्फ अस्सी बचना चाहिए तो मैं इसकी अब रेक्टिफाइंग एंट्री करूंगा कि यहां से निकाल दो एडवांस को खत्म करो और एक्सपेंस को डेबिट करो सैलरी एक्सपेंस डेबिट और एडवांस क्रेडिट कितने से एक सौ साठ से अस्सी जमा अस्सी हमारे साल की एक्सपेंस नहीं लिखा गया अब अगली सिचुएशन ये होगी कि ये सैलरी एक्सपेंस एडमिन में जाना चाहिए सेलिंग में जाना चाहिए कहां पर जाना चाहिए तो वो हम क्वेश्चन से ही पूछेंगे भाई इसको लेकर किधर जाना है टेकन वायदा सेल्स मैन यहां पर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है सेल्स मैन तो सेल्स मैन सेलिंग का बनता है तो यहां पर सेलिंग वाले एक्सपेंसेस में इसको जाना चाहिए अब सेलिंग वाले एक्सपेंसेस में मेरा इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन से एक्सपेंसेस हो गए सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए अब 160 की एडजस्टमेंट करनी है अस्सी की नहीं करनी है सैलरी एक्सपेंस एडमिन एक्सपेंस डेबिट में डेबिट ऐड होता है तो ये एड होगा सेलिंग एक्सपेंसेस में और एडवांस की नेचर भी क्या है डेबिट है तो डेबिट में क्रेडिट लेस होता है तो एडवांसेस में से 160 माइनस कर देंगे और सैलरी एक्सपेंस एडमिन एक्सपेंसेस में इसको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे सो दिस इज द लॉजिक एंड दिस इज हाउ वी हैव टू प्रोसीड सेलिंग एक्सपेंसेस में देखें तो आपको 160 प्लस होता हुआ नजर आ रहा है या 160 माइनस होता हुआ नजर आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये इसी एडजस्टमेंट सिर्फ एक एडजस्टमेंट को एक लाइन आइटम दो एक एडजस्टमेंट दो लाइन आइटम को अक्सर डील कर जाती है अब में मैंने ट्रायल बैलेंस में जो था, यहां पर मैं जाऊं तो दो सौ चालीस में से एक सौ साठ लेस भी हो रहा है और एक सौ साठ एड भी हो रहा है तो मेरी ये एक और लाइन आइटम सिलेक्ट हो गई जू ही मेरी दो लाइन आइटम सिलेक्ट हुई मेरे दो मार्क्स पक्के हो गए अब मेरा ख्याल है आपको फाइनल अकाउंट से जो डर लगता था वो लगना बंद हो गया होगा क्या ऐसा है जो थोड़ा बहुत आपको डर लगता होता था काफी ज्यादा लगता होता था कि फाइनल अकाउंट पता नहीं क्या होता है कभी टैली नहीं हुआ पता नहीं मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे आपको मार्क्स मिलेंगे हर लाइन आइटम के मार्क्स हैं हर लाइन आइटम के मार्क्स हैं और जू ही एक लाइन आइटम पूरी हुई आपके मार्क्स अचीव हो गए अब अगला मेरा आपसे सवाल क्या आपको जो एडजस्टमेंट्स आती हैं जितनी आती हैं जो आसान आसान सी लगती हैं क्या आप आराम से मोर देन फिफ्टी परसेंट मार्क्स ले सकते हैं पचास परसेंट एडजस्टमेंट तो आती होंगी क्यों 50% एडजस्टमेंट तो आती होंगी ना इंशाल्लाह तो इसका मतलब कम से कम 50% मार्क्स तो आप ले सकते हैं पासिंग मार्क्स तो आ गए ना और बाकी के पासिंग मार्क्स 40 में से 20 एमसीक्यू भी ठीक कर लेंगे तो इंशाल्लाह पासिंग मार्क्स आ भी पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो फाइनल अकाउंट की टेंशन फिलहाल क्या कर दें इस हिसाब से, से छोड़ दें के इसमें से आप पास नहीं हो सकते इसमें से आप आराम से पास हो सकते हैं कुछ रूटीन की एडजस्टमेंट्स हैं वो हम जनरल एंट्रीज डिस्कस कर लेंगे जो रूटीन की हैं और कुछ ये जो स्पेशल किस्म की हैं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा अच्छा है अब मैंने आपको कम से कम ये समझा दिया है कि काम कैसे करना है सॉफ्टवेयर कैसे वर्कआउट करता है आपके पास दो क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए आप इस तरीके के दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं ये दो इसके अलावा एक आई कैप ने रिसेंटली अप किया है एक प्रैक्टिस मटेरियल उसके ऊपर चलते हैं उसको देखते हैं उसमें क्या कुछ किया है आई एम लिविंग दिस सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर को हम क्लोज करने लगे और नहीं नहीं मीटिंग एंड नहीं करनी हमने सॉफ्टवेयर को क्लोज करना है चलो सॉफ्टवेयर को साइड पे करते हैं इधर आ जाते हैं ये प्रैक्टिस मटेरियल जो एग्जामिनर ने 2024 में ऐड अप किया है लिखा 2022 हुआ रिवाइज्ड ही हुआ है रिवाइज लेकिन अगर आप वेबसाइट पर जाए तो यहां पर आपको स्टडी रिसोर्सेज हैं पी आर सी फोर के ऑनलाइन बुक्स जो हैं आपकी बुक्स बुक्स पी आर सी यहां पर जाएंगे इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में जाएंगे ऑनलाइन बुक्स में जब आप जाएंगे तो आपको दो चीजें नजर आएंगी एक स्टडी टेक्स्ट 2022 और एक एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन दो हजार चौबीस ये बिल्कुल न्यू है ये आप यहां से डाउनलोड कर लें और ये कुछ आपको दिखेगा इस तरीके से हर एक के अंदर उसने एडिशनल क्वेश्चन एडिशनल एमसीक्यूज़ क्यूज दिए टू दो एमसीक्यूज इन एमसीक्यूज़ को करें एकाधुका एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो कि मुझे किसी ने यहां पर Uh, भेजा भी एक एमसी क्यू uh, मैं वो भी डिस्कस कर देता हूं अभी ये फोर्टी सिक्स नंबर एमसी क्यू तो इसकी जो ऑप्शन बनती है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन एज इंक्रीज इन वन एसेट डिक्रीज इन अदर एसेट एंड डिक्रीज इन इक्विटी तो ये जेनुअनली uh, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है क्योंकि इसके अंदर डिस्पोजल ऑफ एसेट की कहानी बताई गई है तो डिस्पोजल ऑफ एसेट जो है ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है बाकी मैंने कंट्रोल एफ लगाकर पूरा डिस्पोजल ढूंढ लिया तो डिस्पोजल दो तीन जगहों पे है एक तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कॉस्ट टू सेल एनआरबी वाला डिस्पोजल का वर्ड आता है एक हमारे पास ये एक आधा क्वेश्चन है जिसके अंदर कोई ऐसी बात की गई है तो उससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है अब अगर आप देखें तो आपके पास यहां पर बिल्कुल एंड पर इसके हम पर जाते हैं बिल्कुल स्टार्ट पर किधर गई हाँ यहां पर जाते हैं और अगर हम देखें बिल्कुल एंड पर लॉन्ग क्वेश्चंस एक नंबर पेज पर ये लगभग ट्वेंटी 20... या ट्वेंटी प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन लाजमी तौर पर हमने देखना है इनमें से कोई दो तीन चार हो सकता है मैं भी डिस्कस कर रहा हूंगा जब ये आ गए हैं पहले तो कोई पुराने पास पेपर ही करने थे अब जब ये आ गए हैं तो फिर हम इनको भी डील करेंगे और इनमें देखते हैं कैसे आंसर किए हुए ये लगभग ट्वेंटी क्वेश्चन और इसके अंदर ये देखें कितना मजेदार काम किया हुआ है अगर हम देखें इस क्वेश्चन को इसमें मार्क्स भी लिखे हुए हैं कि सेल में कोई एडजस्टमेंट नहीं इस लिहाजा आधा मार्क्स इसमें एक वैल्यू दो वैल्यू तीन वैल्यू चार वैल्यूज पांच वैल्यूज फिर कहीं पे जाके ये वाली वैल्यू बन रही है तो उसके एक तो ट्रायल बैलेंस वाली वैल्यू होती है उसको छोड़ देते हैं तो इसका मतलब इसके अंदर तीन से चार एडजस्टमेंट बन रही है तो चार मार्क्स इसके इसके अलावा आसान और मुश्किल एडजस्टमेंट के हिसाब से भी मार्क्स होते हैं एक दो तीन चार चार एडजस्टमेंट्स हैं तो तकरीबन ये साढ़े तीन मार्क्स है दो लाइन आइटम्स हिट हो रही हैं तो दो मार्क्स हैं ट्रायल बैलेंस वाली वैल्यू को छोड़ के और यूं प्रॉफिट एंड लॉस के दस मार्क्स हो गए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इसमें दो तीन लाइन आइटम्स हैं तीन मार्क्स हो गए एक लाइन आइटम सिर्फ ट्रायल बैलेंस वाली है तो आधा आधा मार्क्स हो गया कोई मुश्किल एडजस्टमेंट है तो एक दमा एक दो मार्क्स हो गए सिर्फ ट्रायल बैलेंस वाली वैल्यूज हैं तो आधा आधा मार्क्स हो गया मीन्स किसी जगह पर एडजस्टमेंट है तो उसके मार्क्स हैं जहां पे एडजस्टमेंट नहीं है वहां पे मार्क्स कम है हैं सही फिर भी जी जी आंसर भी ये आंसर ही तो खोला हुआ मैंने बेटा वही वाला स्टाइल है जो भी मैंने सॉफ्टवेयर का दिखाया आपको यू हैव टू दैट स्टाइल अगर आपने कहीं और से ऐसे पढ़ाया जैसे टी अकाउंट है तो काइंडली अपने आप को शिफ्ट करें अदरवाइज नहीं होना गारंटी के साथ नहीं होना अदरवाइज मैंने आपको दिखा दिया है जैसे जैसे दो लाइन आइटम सेलेक्ट होती है आपके मार्क्स हो गए क्योंकि एक एक एडजस्टमेंट आ रही है तो उम्मीद एक मार्क्स हो गया ना उसका तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस मटेरियल होगा आई गेस एटलीस्ट आपके लेवल पर यह एक बहुत अच्छा सा मटेरियल होगा कोई भी दूसरा मटेरियल इंक्लूडिंग माय मटेरियल करने से पहले इसको करना चाहिए पहले इतने सवाल नहीं थे अब बीस सवाल दे दिए तो कम से कम ये बीस सवाल तो सबसे पहले करो ना ये इसके आंसर हैं इससे पीछे इसके क्वेश्चंस हैं और यहां पर फॉर्मेट दिया हुआ है उन्होंने जिस फॉर्मेट पे करना है ऊपर क्वेश्चन है ये ट्रायल बैलेंस हो गया ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट्स एडजस्टमेंट्स के बाद फॉर्मेट जिस फॉर्मेट पे आपको काम करना है यहां पर लिख दिया हुआ चूज एन आइटम चूज एन आइटम मींस सिलेक्शन होगी ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट लकुलेट इट दिस वाली वैल्यू अब अगर हम जाए ये कैलकुलेशन वाला जो चीज है तो कैलकुलेशन जो कर रहे हैं उसके मार्क्स ऐसा इन्होंने नहीं रखे हुए लेकिन जेनरली इसके भी मार्क्स होंगे तो इसका भी कोई आधा मार्क्स या एक मार्क्स रखा होगा उन्होंने फिलहाल इन्होंने एलोकेट नहीं किया लेकिन रखा होगा पेपर में रखा हो होना चाहिए है तो ये हो गया हमारा तरीका कार ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर और ये हमारा हो गई प्रैक्टिस मटेरियल दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अब आ जाते हैं हम कि हमने सीखना है फाइनल अकाउंट को और फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या कुछ एडजस्टमेंट्स मेजरली आती हैं और तरीकाकार क्या होगा <clears throat> जी आपका फाइनल सॉल्व करने का तरीका कार है और मैंने भी अपनी बुक में वही चीज कॉपी की हुई है जो उसका फॉर्मेट है कि आपको सबसे पहले एक चीज कर दी आपने फॉर्मेट बना दिया अगली चीज फॉर्मेट जो आपने कॉपी पेस्ट कर लिया उसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस को पिक करना है और ट्रायल बैलेंस को पोस्ट कर देना है रेलिवेंट प्लेसेस पर यहां पे श्योरिटी क्या होनी चाहिए कि कोई आइटम उमिट ना हो कोई आइटम डुप्लीकेट ना हो उसके बाद आपको जैसे मैंने सिखाया डबल एंट्री इफेक्ट को आपने क्या करना है इनकॉर्पोरेट करना है प्लस और माइनस के फॉर्म में और फिर सब टोटल्स और ग्रैंड टोटल्स होंगे फॉर्मेट के अंदर कहानी खत्म हो जाएगी बेटा जो एम सी क्यूज है आई के ये सबसे पहले नंबर पर होने चाहिए इसके अलावा मैंने ये देखते हुए कि थेरी बच्चों से पढ़ी नहीं जाती है मैंने अपनी बुक के अंदर पहले नंबर पर क्या किया हुआ है थेरी लिखी हुई आई कैप की उसी के नीचे ही उसके एमसी क्यूज दे दिए हुए मैं आपको शो कर देता हूं कि किस तरीके से मैंने काम किया हुआ है और फिर वो वाली बुक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इनशाला एम सी क्यूज है ये तो आई कैप के एमसीक्यूज़ हैं इसके अलावा यहां पर हम आते हैं अपनी बुक में फोल्डर पी आर सी फोर मसलन ये चैप्टर वन uh, जो आई कैप का मेरी बुक के अंदर चैप्टर नंबर नाइन जो थे टेन ये मैंने काम किया हुआ जी और ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा क्या काम हुआ हुआ है? या आपकी थेरी आ गई आई कैप की अ ग्लांस उसके फौरन बाद इस कोई चार पांच जो पैराज हैं इससे रिलेटेड ही एमसीक्यूज़ क्यूज है ताकि आप थेरी को अच्छे तरीके से कर सकें उसके बाद ये आए ये दो तीन चार पांच पैरास उसके फौरन बाद एमसीक्यूज़ क्यूज उससे ही रिलेटेड साथ ही की लिखी हुई है अब की को करने का तरीकाकार है कि आपने इस की जहां पर की बनी है यहां पर रख लेना है कोई पेज वगैरह क्या सॉफ्ट में कर रहे हैं तो आपने क्या करना है ये वाला मसलन ये वाला एमसीक्यू है ये वाला ए में हाईलाइट करने लगा ये वाला एमसीक्यू क्यू है आप इसको इस तरीके से इसकी की, की को छुपा दे और सॉफ्ट में बैठ के इस क्वेश्चन को एमसीक्यू को करें फिर आप इस क्वेश्चन पे आते हैं तो आप इसकी की को छुपा दें ताकि आप आंसर पहले से ही ना देख रहे हो ये बोर्ड नहीं हुए हुए कि पहले से नजर आ जाएगा तो इस तरीके से आप करेंगे थोड़ा सा माइंड एक्टिविटी भी होगी और आपके थीरी बड़ी अच्छी सी हो जाएगी पहले तीन चार चैप्टर्स में थेरी बहुत ज्यादा आनी होती है और कंसेप्चुअली चलेंगे सारे काम हो जाएंगे इसके अलावा जो प्रैक्टिस मटेरियल अब आया मैंने इसको बड़े डिटेल में नहीं देखा लेकिन दैट वुड बी अ वेरी बेटर वेरी गुड डिसीजन कि आप किसी असाइनमेंट को ना करें इसको करें इस प्रैक्टिस मटेरियल को करें मैं अपनी क्लास में अक्सर बच्चों को जो है ना एक क्वेश्चन सामने रखता हूं और उनको दिखाता हूं कि ये देखो ये क्वेश्चन है आओ इसको अमेंड करते हैं अमेंड किया और उस जैसा ही सेम डाटे के अंदर एक और सवाल बना दिया कि चलो ये दूसरा आ गया चलो ये तीसरा आ गया उसी डाटे से और मैंने बुक के अंदर भी ये वाला काम किया हुआ कि उसी एक ही डाटे से मैं तीन तीन चार हजार एमसीक्यूज़ बनाए हुए हैं। अब जोन से लोग असाइनमेंट करते हैं और कहते हैं यस ये और जल्दी से वही वाले टिक लगा आ हैं। तो सेम ऑप्शन के साथ एक क्वेश्चन हल्का सा चेंज किया जाए तो आंसर चेंज हो जाता है क्वेश्चन में हल्की सी चेंज की जाए तो उसका आंसर चेंज हो जाता है तो खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है असाइनमेंट को सिर्फ सिर्फ नॉलेज के लिए बेशक करें लेकिन उन असाइनमेंट से पहले क्या काम करें आप लोग ये प्रैक्टिस मटेरियल करें जो नया एडिड हुआ है कोई क्यूरी हो मैं हाजिर हूं तो दूसरी चीज ये मेरी बुक को करें इंशाल्लाह बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअली फफाका होगा तो बढ़ते हैं वापस तो ये आपके आ गए चार स्टेप्स जिन स्टेप्स के ऊपर फाइनल काउंट है और ये स्टडी टैक्स की बातें हैं मेरी नहीं है इसके बाद ये दो तीन एग्जाम्पल थी इसके लिखने के बाद ये अब मेरा तरीका का आ गया ये अब मेरे नोट्स आ गए कि आपको ई एन एंड एडजस्टमेंट बहुत सारी जो हैं वो कौन कौन सी हैं जो कि कम अज कम भी आपको पता होनी चाहिए डेली क्लास टाइमिंग यही होगी नौ से ग्यारह और जो लिंक आपके साथ शेयर किया गया वो भी यही होगा तीन चार दिन जब तक रमजान नहीं शुरू होता रमजान में हम टाइमिंग को ले जाएंगे तीन बजे या सवा तीन बजे साढ़े तीन बजे से लेकर पांच बजे तक कोई एक करेंगे असर की नमाज पढ़ेंगे असर की नमाज के बाद फिर से एक डेढ़ घंटा लगा लेंगे तो ये होगी जी हमारी टाइमिंग और ये होगा हमारा तरीका सो आ, मैं रविजन इंशाला बड़ी अच्छी सी इनशाला कोशिश करूंगा कि आप वो करवाऊं कौन सा एक्चुअली अब छोटी छोटी सी बातें जो आपको फाइनल का के लिए पता चाहिए परचेज और ओपनिंग स्टॉक अगर आपको कॉस्ट ऑफ और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस नजर आएगा इट मींस इट इज अ सिस्टम अगर आपको हिंट ऑफ प्री पेमेंट और पेबल हो विद ड्राइंग्स तो जस्ट इग्नोर दी डेट्स जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको एक एडजस्टमेंट करवाई है पेपर की यहां पर क्या चीज थी डेट दी हुई थी इसका पीरियड दिया हुआ था लेकिन इसका लिंक ड्राइंग के साथ था तो इसमें डेट्स को इग्नोर कर देना है जो सॉफ्टवेयर में हमने एडजस्टमेंट देखी थी सॉफ्टवेयर शायद बंद कर दिया मैंने नहीं नहीं बंद नहीं किया ये जो प्री पेमेंट थी और यहां पर लिखा हुआ था एनुअल पॉलिसी इज वैलिड अप टू इकतीस मार्च इक्कीस लेकिन इसका लिंक ड्रॉइंग्स के साथ था तो हमें इसकी डेट को इग्नोर कर देना है इसकी प्री पेमेंट इसका पेबल क्या है क्या नहीं है ड्राइंग से रिलेटेड जस्ट वैल्यू चाहिए हमें हमारे साल में होगी गेम नेक्स्ट है जी थ्रू आउट द ईयर का मतलब इवनली थ्रू आउट का मतलब होता है हर महीने एक जैसा हर वीक एक जैसा Sometimes ये एडजस्टमेंट होती है और बताया होता है इवनली थ्रू आउट द ईयर ऐसा ही है तो फिर जो पेमेंट होती है मींस हर महीने एक जितनी वैल्यू है ऑफिस सप्लाईज के बारे में कोई बात की हो तो इसका एंड पर स्टॉक बताया हो तो इट मींस ये बिल्कुल प्री पेमेंट की तरह से ट्रीट होगा या फिर क्लोजिंग स्टॉक की तरह से ट्रीट होगा प्री पेमेंट या फिर क्लोजिंग स्टॉक दोनों में एक ही एडजस्टमेंट होती है प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट होती है प्री पेड एक्सपेंसेस डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट और क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री होती है स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट ये कॉस्ट ऑफ सेल्स भी एक्सपेंस है ये भी करंट एसेट में जाता है ये भी करंट एसेट में जाता है तो तरीकाकार सेम है और अगर स्टॉक सप्लाइज के बारे में बात कर देगा तो ये ऑफिस सप्लाइज भी किस में लिखी जाएंगी जो अनसोल्ड हैं या अनयूज्ड हैं ये भी किस में लिखी जाएंगी ये भी करंट एसेट में लिखी जाएंगी और ऑफिस सप्लाइज का जो एक्सपेंस है ये आपका क्रेडिट हो जाएगा तो ये एक ही तरह से तीनों चारों चीजें एक ही तरह से डील होती हैं एक ही लॉजिक के तहत कि एक्सपेंस में से निकालो और स्टॉक में लिख दो अगर क्वेश्चन में कहीं पर लिखा हुआ है कि बिजनेस हमने अभी अभी स्टार्ट किया है इसी साल में और ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक गिवन कर दिया हो इसका मतलब है ये ओपनिंग बैलेंस जो बैंक का गिवन किया है यही आपका कैपिटल है मसलन एक बंदा है उसने बिजनेस स्टार्ट किया और आपको पता है, सोल प्रोप्राइटर या छोटे बिजनेस यही है कि जो सा उसका अपना अकाउंट है वही बिजनेस के वाले कर दे उसी के अंदर बिजनेस की ट्रांजेक्शन शुरू कर दे तो यही जो ओपनिंग बैलेंस होगा ये कैपिटल कंसिडर होगा और इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट उसने पर्सनल अपना अकाउंट बिजनेस के वाले कर दिया अगर लिखा हुआ मिल जाए कि हमने अमाउंट कोई गिवन किया सन ऑफ द और आगे बता दे कि भाई ये ऑफिस पर्पस के लिए है तो अगर ये ऑफिस परपज के लिए है तो ये सन ऑफिस का, का काम कर रहा है फिर ये ऑफिशियल एक्सपेंस बनेगा ये ड्राइंग्स नहीं बनेगी और अगर सन काम कर रहा है वहां पे ऑफिस में और उसको सैलरी दी गई है तो ये कोई और बंदा रखते उसकी बजाय इस बंदे को जाड़पूंझ के लिए रख लिया तो एम्प्लाई की तरह ट्रीट होगा और ये ड्राॅइंग्स ट्रीट फिर नहीं होंगी कहीं पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाए फलानी चीज इंक्लूड एक्सपेंस इंक्लूड मीन्स एक्सपेंस में गलती है प्री पेमेंट इंक्लूड मीन्स प्री पेमेंट में गलती है अनएड इनकम इंक्लूड मीन्स इनकम में गलती है ये चीज पॉसिबिलिटी है कि यह गलत लिखी होगी सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर हमने रिसीव किया है तो यह हमारी एक लाइव होगी ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पर नजर आएगा और अगर हमने पे किया है सिक्योरिटी डिपॉजिट तो ये आपको डेबिट साइड पर नजर आएगा ट्रायल बैलेंस में और ये हमारा एक एसेट होगा अब एक क्वेश्चन आया कि ये ऑफिस सप्लाईज क्या होती हैं बेटा ये ऑफिस सप्लाइज होती हैं पेंसिल रजिस्टर और इस तरह की चीजें अब ईयर एंड मुख्तलिफ होंगी। मैंने मुख्तलिगराइज उसको सेपरेटली किया हुआ कुछ अक्रूवल एंड प्री पेमर्स एडजस्टमेंट है कुछ ड्राॅंग्स की एडजस्टमेंट है कुछ एडवांस से रिलेटेड एडजस्टमेंट है ऑफिस सप्लाईज की एडजस्टमेंट है इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट बैड एंड आउटफोड की एडजस्टमेंट और कुछ कॉमन एडजस्टमेंट तो ये रूटीन की एडजस्टमेंट्स है इसके अलावा भी हो सकती हैं ले जी आपकी प्री पेमेंट इंक्रीज हो रही है या फिर लिखा हो अकाउंटेंट फॉर गॉटन टू बुक प्रीपेड एक्सपेंस इट मींस आपको एंट्री पास करनी है प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट अब डेबिट में डेबिट ऐड हो जाएगा और डेबिट में क्रेडिट so, हो जाएगा ये भी डेबिट नेचर पे है यह भी डेबिट नेचर पर है डिक्रीज इन प्रीपेमेंट या फिर लिखा रिवर्सल ऑफ लास्ट ईयर प्रीपेड नहीं किया या फिर लिखा हो कि लास्ट ईयर प्रीपेम बुक किया था लेकिन इन करंट ईयर नो एडजस्टमेंट वाज मेड या फिर लिखा हो के हमारे पास प्री uh, पेमेंट एक्सपेंस जो कि हमारे साल से रिलेट करता प्री पेमेंट में शामिल है तो इसका मतलब प्री पेमेंट में गलती है हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे और प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे इस सूरत में हमारे पास एक्सपेंस बढ़ जाएगा वो डेबिट में डेबिट ऐड हो जाएगा और प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा डेबिट में से क्रेडिट लेस हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंस जा भी डेबिट नेचर पर और प्रीपेड भी डेबिट नेचर पर है सेम पैटर्न के ऊपर ही हमारी क्या होगी अनअर्न्ड इनकम होगी अन इनकम अनअर्न्ड इनकम मींस हमने अभी इनकम अर्न नहीं की है अब इनकम की प्रीपेड कह लें यहां पर हमने एक्सपेंस को क्रेडिट किया था मींस एक्सपेंस को निकाल दिया था एक्सपेंस में से गेट आउट किया था एक्सपेंस की नेचर डेबिट है गेट आउट करने के लिए क्रेडिट किया अब सेम उसी पैटर्न के ऊपर अकाउंटेंट अगर फॉर गॉटन हो गया है टू बुक अन इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के बारे में लिखा हुआ है या लिखा हो इनकम इनक्लूड इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर या इन एडवांस में मिल गया तो फिर ये वाली एंट्री हो जाएगी इनकम को डेबिट कर देना है अन एंड इनकम को क्रेडिट कर देना है ये भी क्रेडिट नेचर पर ये भी क्रेडिट नेचर पर अब इनकम की नेचर क्रेडिट है क्रेडिट में डेबिट हुआ तो क्रेडिट में डेबिट तो होता है लेस लाइटी भी क्रेडिट नेचर पर है क्रेडिट में क्रेडिट होता है तो ये हो गया एड <coughs> ड्रीज इन अनर्न कम हो गई है या फिर रिवर्सल ऑफ लास्ट ईयर अन है या फिर लिखा हो अनअर्नड ट्रांसफर टू अर्नड इनकम लिखा हो लास्ट ईयर अन बुक बट इन ईयर नो एडजस्टमेंट वाज मेड पिछले साल की इनकम आ रही है लेकिन इस साल में कोई एडजस्टमेंट नहीं की मीन इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया लाइबरी को खत्म नहीं किया लास्ट ईयर की जो अन थी उसको रिवर्स नहीं किया तो अब को आप कर दोगे डेबिट और इनकम को कर दोगे क्रेडिट तो ये भी क्रेडिट नेचर पर ये भी क्रेडिट नेचर पर ये क्रेडिट में डेबिट लेस होता है क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है <clears throat> अगली चीज इनकम से रिलेटेड कोई सर्विसेज आपने दे दी हुई है रेंडर कर दी हुई है लेकिन उसके पैसे नहीं मिले तो ये वही वाली एंट्री रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट होती है रिसीवेबल की नेचर डेबिट है इनकम की नेचर क्रेडिट है अब डेबिट में डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट नेचर में क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है अब दोनों चीजें एक डेबिट नेचर पर है एक क्रेडिट नेचर पर है तो एक डेबिट हुआ जो डेबिट हुआ वो भी प्लस हो रहा है जो क्रेडिट है वो भी प्लस हो रहा है ऑपोजिट नेचर पर है और एंट्री बन गई है रिसीवेबल रिसीवेबल एक एसेट एसेट बढ़े तो डेबिट होता है और इनकम या रेवेन्यू क्या हो रहा है वो भी बढ़ रहा है वो भी क्या होगा क्रेडिट होगा और वो भी क्या है प्लासी होगा ये दोनों एक्रूड है इसको बोलते हैं एक इनकम और ये है एक्सपेंस एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट एक्सपेंस की नेचर है debit, की नेचर है डेबिट की है क्रेडिट एक्सपेंस भी बढ़ रहा है और इनकम भी बढ़ रही है तो डेबिट और लाइवी भी बढ़ रही है तो डेबिट में डेबिट ऐड और क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है अदर हमने पेबल बुक किया था लास्ट ईयर हमने उसकी रिवर्सल नहीं की लास्ट ईयर की अप्रूवल बुक की थी लेकिन इन करंट ईयर नो एडजस्टमेंट वाज मेड रीजन क्या है रीजन जेन्युअलली तो एंट्री पास होनी चाहिए इसकी जब हम पेमेंट करें एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस पे डेबिट और कैश क्रेडिट जेनुअन एंट्री ये है लास्ट ईयर में हमने एंट्री पास की थी एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस पे एबल क्रेडिट ये हुआ था लास्ट ईयर करंट ईयर में जेनुअन एंट्री ये है कि हमने पेबल को पे किया लेकिन नॉर्मली होता क्या है नॉर्मली होता यह है कि हम अकाउंटेंट जो छोटा सा अकाउंटेंट है उसको हुआ है, जब भी पेमेंट करो ना तो कैश को क्रेडिट कर देना एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट वो कर देता है ये वाली एंट्री लास्ट ईयर में से हमने सौ रुपया बुक किया इस साल में वो सौ रुपया पे कर दिया तो जनरली ये लाइव हमने पे की है ये यहां पर आ जानी चाहिए लेकिन गलती है कि अकाउंटेंट ने कि उसने करंट ईयर में ये वाली एंट्री पास की है अब इस एंट्री को ठीक करना है तो हम क्या कहते हैं हम कहते हैं एक्चुअल में एक्सपेंस पे एबल को डेबिट होना था सौ से जो नहीं किया उनसे रिकॉर्ड नहीं किया उसे रिकॉर्ड कर दो जो गलत रिकॉर्ड कर दिया उसे रिवर्स कर दो और यह पूरी चीज इंडस्ट्री में प्रिवेल करती है क्या हुआ एक्सपेंस एक्सपेंस से कैंसिल हो गया और नेट एंट्री मारी एक्सपेंस पे डेबिट और कैश क्रेडिट हो गई तो लिहाजा अक्सर औकात यही वाली सिनेरियो होता है तो सूरत के अंदर हमने रिवर्सल की एंट्री पास नहीं की है हमने अपना रिकॉर्ड नहीं किया एक्सपेंस पेबल डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट पेबल की नेचर क्रेडिट है एक्सपेंस की नेचर डेबिट है क्रेडिट में डेबिट लेस होता है और डेबिट में क्रेडिट लेस होता है तो दोनों क्या चीज हो रहे हैं लेस हो रहे हैं तो ये लॉजिक जब तक हमें नहीं पता होगी या हम नहीं समझेंगे बात नहीं बनेगी। यू गॉट द पॉइंट बच्चों बच्चों बात समझ लग गई चीजें क्लियर हो गई कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप होना शुरू हो गया यू कैन डू जो सी चीजें पहले नहीं आती थी आई थिंक सो आपने ये वाली एंट्रीज तो पढ़ी हुई है लेकिन आपको डेबिट एंड क्रेडिट की लॉजिक नहीं पता था थोड़ा थोड़ा सा है तीन चार दिनों में इंशाल्लाह पांच दिनों में ये सेट हो जाएगा बेटा क्रूगल की एंट्री है क्रूगल में रिवर्सल की है आपने लिखा नहीं था पेबल आपने क्या लिख दिया था आपके अकाउंटेंट ने ये वाली एंट्री पास कर दी थी जब पेमेंट की थी तो उसको ठीक करना है ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक्सपेंस गलत लिख दिया एक्सपेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा और पेबल को डेबिट करना पड़ेगा सो एक्सपेंस पेबल डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट मारी एंट्री हो जाती है और दोनों चीजें फिर क्या हो जाएंगी लेस हो जाएंगी विद दी लॉजिक अब आपकी एंट्री आ गई ड्राइंग्स ड्राइंग्स इंक्लूडिंग एंड सम एक्सपेंस अगर एक्सपेंस में लिखा हुआ है या कहीं पर किसी दूसरे एसेट में लिखा हुआ तो जहां पर गलत लिखा हुआ है वहां से निकाल देना जैसे प्री पेमेंट के अंदर लिखा हो तो प्री पेमेंट में से निकाल देंगे थोड़ी देर पहले हमने वाली एंट्री पढ़ी ड्राइंग को डेबिट कर दिया और प्री पेमेंट को क्रेडिट कर दिया जिधर लिखा हुआ था एक्सपेंसेस में शामिल कर दिया तो एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देंगे अब डेबिट एक्सपेंस या एसेट की नेचर भी डेबिट डेबिट में डेबिट ऐड होता है और डेबिट में क्रेडिट लेस होता है ये प्लस माइनस की साइंस आ गई विद डेबिट एंड क्रेडिट नथिंग एल्स अभी आपने पूछा कि सर ऐसी एडजस्टमेंट आती हैं तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले तो आपको दिखाया था ये सॉफ्टवेयर में क्या दिखाया था ऐसी भी एडजस्टमेंट आती हैं ये कॉमन एडजस्टमेंट की ये वाली एडजस्टमेंट्स आती है ड्राॅंग्स की आती हैं यहां पे लिखा हुआ प्री पेमेंट में शामिल है एक प्रीमियम पेड फॉर ऑनर्स पर्सनल तो ये क्या होगी ड्राइंग हो गई ड्राइंग्स किसी जगह पर इंक्लूड की गई है प्री पेमेंट में इंक्लूड की गई है तो प्री पेमेंट में इंक्लूड की गई है तो निकाल दो बस ये एंट्री होगी गई ड्राइंग्स डेबिट होना चाहिए डेबिट कर दी प्री पेमेंट में गलत दिखा हुआ है प्री पेमेंट को क्रेडिट कर दिया खत्म हो गया एक्सपेंस रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिया ड्राइंग में तो ड्राइंग्स में गलत लिखा हुआ है तो ड्राइंग्स क्रेडिट हो जाएगा और एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा ये जो ये सन वाली एडजस्टमेंट है या इस तरह की एडजस्टमेंट है ये पास पेपर से है ये आती रही है और लिखी हुई है नॉर्मली रिटर्न एज अर्क फॉर ऑफिस बींग रिटन एज ड्राइंग ड्राइंग में लिख दी गई तो ड्राइंग्स को क्रेडिट कर दो और एक्सपेन्स को डेबिट कर दो ये एडजस्टमेंट थी पास पेपर में आई थी अमाउंट गिवन टू सन ऑफ द ऑनर फॉर ऑफिस पर्पजेज ये लिखा हुआ था अमाउंटिंग रुपीज फलाना फलाना <coughs> तो जेनवन एंट्री फिर सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होनी चाहिए लेकिन उसने कर दी सैलरी ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट तो गलत तो हो जाएगी फिर आप इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री कर देंगे सैलरी एक्सपेंस डेबिट ड्राइंग्स क्रेडिट कर देंगे सैलरी एक्सपेंस डेबिट है डेबिट में डेबिट ऐड हो जाता है ड्राइंग्स भी डेबिट है तो डेबिट में क्रेडिट लेस हो जाएगा एडवांसेस पर आते हैं एडवांसेस से रिलेटेड किस किस को बड़ी अच्छी सी तरीकाकार आता है कि एडवांसेस को बड़ा आसान सा डील करना आता है उसे एडवांस <coughs> रिवाइज़ करते हैं एडवांस हमने एडवांस किया दिया एसेट को खरीदने के लिए तो इसकी एंट्री होती है एडवांस फॉर एस फिक्स एसेट ये भी क्रांट एसेट भी नॉन में लिखा जाता है जो फिक्स एसेट चूंकि नॉन करंट एसेट है इससे रिलेटेड एडवांस दिया जाए तो यह भी नॉन करंट एसेट में लिखा जाता है अगर ये दरमियान में आ जाए कैश क्रेडिट अब ये भी डेबिट नेचर पर है ये भी डेबिट नेचर पर है तो डेबिट में डेबिट क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा और डेबिट में इसे क्रेडिट क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा अब एडवांस था ये रॉन्गली इंक्लूड हो गया किसी एक्सपेंस में या फिर पीपीई में ही ऐड हो गया पीपीई में भी नहीं जाना चाहिए था एक्सपेंस में भी नहीं जाना चाहिए था ये इसकी है जेन्युइन एंट्री जो नहीं चाहिए अब अगर एडवांस दिया हुआ है ये गलती इसे एक्सपेंस में लिखा गया तो इसका मतलब एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो उसको रिवर्स कर दो और अगर गलती से किसी पीपीई में एसेट्स में लिखा गया तो फिर एसेट को क्रेडिट कर दो और तो डेबिट किसको कर दो एडवांस को डेबिट कर दो इसी तरह से होता यह है कि आपने गुड्स परचेज की है उसके लिए एडवांस दिया और आपने एक्सपेंसेस परचेजेस को डेबिट कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा वो परचेजेस क्रेडिट कर दोगे या फिर अगर परपैचुअल सिस्टम है और इन्वेंट्री डेबिट गलती से हो गया तो इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दोगे और डेबिट कर दोगे एडवांस टू सप्लायर सप्लायर को आपने एडवांस दिया ये नीचे शायद भी रहा रहो चले एडवांस फ्रॉम कस्टमर कस्टमर से एडवांस आ गया हमारे पास तो इसकी जेनुअन एंट्री कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट होती है ये एक लाइबिलिटी है ये आपकी आ गई एंट्री अगर इसी के साथ ही लिखा हुआ मिल जाए कि एडवांस रिसीव्ड एंटर्ड एज सेल्स कैश सेल लिखा जाए तो अब सेल्स गलत लिखी गई है तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी सेल्स डेबिट हो जाएगी और एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट हो जाएगा करंट लाइफ बन जाएगी होगी अब सेल्स की नेचर है क्रेडिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर उसकी भी नेचर क्या है क्रेडिट तो यहां पर क्रेडिट में से डेबिट लेस हो जाएगा यहां पे क्रेडिट में क्रेडिट ऐड हो जाएगा जैसे ये लिखा हुआ है रिसीट फ्रॉम कस्टमर अगर रिसीट फ्रॉम कस्टमर लिखा हो इंक्लूड्स जो डेटर से पैसे आए हैं उसमें शामिल है एक एडवांस फ्रॉम कस्टमर तो इसको कैसे डील करेंगे यह भी पास पेपर से एक्सट्रैक्टेड एडजस्टमेंट इसका मतलब ये जो डेटर अकाउंट हम बनाते हैं एक बीडी होता है एक सीडी होता है अब बीडी से पचास था सीडी डी सो था डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट किया आपने और आपने कहा कि यह है पांच हजार पचास तो इसका मतलब है कैश आया हुआ है इक्का सौ पांच हजार अब अगर लिखा हुआ मिले के इस रसीट में शामिल है क्या है शामिल है एडवांस फ्रॉम कस्टमर दो सौ रुपया तो इसका मतलब यह होगा कि जो पैसे आए हैं डेटर में पांच हजार एक्चुअल में ये जो हैं ये डेटर से जो पैसे आए हैं वो अड़तालीस आए हैं और जो एडवांस है वो आया है 200 अब डेटर से कम पैसे आए हैं इसका मतलब है डेटर का सीडी ज्यादा होना चाहिए सो नहीं होना चाहिए अब आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर का सीडी मिल रहा होगा सौ रुपया और अब आपने एंट्री पास करनी है डेटर में गलत कैश लिखा हुआ एडवांस को क्या कर दो क्रेडिट कर दो अब डेबिट में डेबिट क्या करते हैं ऐड करते हैं और ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्या है ये लाइव है क्रेडिट है क्रेडिट में क्रेडिट क्या करते हैं ऐड करते हैं लाइव भी बढ़ा देंगे और डेटर को भी बढ़ा देंगे अब डेटर 200 से फिर बढ़ जाएगा अगर मैं यहां से इसको अड़तालीस सौ करूं तो एक्चुअली में ये क्या हो जाना चाहिए तीन सौ हो जाना चाहिए अगर ये अड़तालीस सौ तो ये ऑटोमेटमेंट है दो सौ को क्या कर दो डेबिट कर दो और को क्या कर दो क्रेडिट कर दो अब एडवांस कोई भी नहीं आ रहा होगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर ट्रायल बैलेंस में जीरो का देंगे ये आपकी करंट लाइबिलिटी है ये आपका करंट एसेट डेबिट में डेबिट एड और क्रेडिट में क्रेडिट सीट फ्रॉम कस्टमर इंक्लूड्स एडवांस फ्रॉम कस्टमर सेल्स टू कस्टमर हु हैड पेड एन एडवांस आपने सेल्स की है जिस बंदे ने पहले एडवांस दिया था जिस बंदे ने एडवांस दिया था उसकी एंट्री आपने पास की थी एडवांस फ्रॉम कस्टमर कैश डेबिट एडवांस क्रेडिट चार सौ रुपया अब तो आपने इसको सेल की है सेल की मीन्स अब आपने कैश अब नहीं लिया इसका कैश तो पहले से आया हुआ था अब आपकी एंट्री बनती है से एडवांस डेबिट और सेल्स क्रेडिट कि एडवांस को खत्म कर दो और एडवांस की नेचर है क्रेडिट और सेल्स की नेचर भी है क्रेडिट जब आप ये वाली एंट्री पास करेंगे एडवांस डेबिट और सेल्स क्रेडिट तो एडवांस डेबिट होने से ये एडवांस खत्म हो जाएगा और सेज में वैल्यू चली जाएगी। तो डेबिट, क्रेडिट में क्रेडिट क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता। हॉप्स ओ, यू गोट द पॉइंट कि ये क्या साइंस है और एंट्रीज की क्या साइंस है इसकी। फाइनल काउंट में किस किस किस्म की एंट्रीज आ सकती हैं एक्चुअल में तो ये जनरल एंट्री नॉर्मल एंट्रीज की क्या हो गई हो गई एडवांस से रिलेटेड सारी कहानी आपके सामने आ गई ऑफिस सप्लाइज है इनको बिल्कुल प्रीपेमेंट की तरह से ट्रीट कर देंगे ऑफिस सप्लाइज का स्टॉक करंट एसेट डेबिट और ऑफिस सप्लाइज का एक्सपेंस या स्टेशनरी एक्सपेंस क्रेडिट ये भी डेबिट में डेबिट एड होता है और डेबिट में से क्रेडिट लेस होता है Inventry की आपकी हो ना ये पॉसिबल ही नहीं है चाहे पीडोडिक सिस्टम हो चाहे परपैचुअल सिस्टम हो फाइनल काउंट का सवाल हो और इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट ना हो ये तो हो बनता नहीं है पीरियडिक सिस्टम एक नॉर्मल एंट्री पीडिक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक की होती है इन्वेंट्री या स्टॉक डेबिट बी एस स्टैंड बैलेंस शीट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट होता है सेल में से लेस कर दें कॉस्ट ऑफ सेल्स तो जीपी तक इस हिस्से को ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं नॉर्मल लॉस की पीरियोडिक सिस्टम में कोई एंट्री नहीं होती नॉर्मल लॉस की परपैचुअल सिस्टम में एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट अब कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर डेबिट है इन्वेंट्री नेचर डेबिट है डेबिट में डेबिट हो जाएगा एड और डेबिट में से हो जाएगा क्रेडिट लेस अब नॉर्मल लॉस पीरियोडिक सिस्टम में एंट्री होती है अब नॉर्मल लॉस एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट यह भी डेबिट नेचर पर यह भी डेबिट नेचर पर तो यह डेबिट में डेबिट हो जाएगा एड और परचेजेस डेबिट में से हो जाएगी लेस क्रेडिट आपकी परचेजेस कम हो जाएंगी और एक्सपेंस बढ़ जाएगा यह अब किस तरीके से डील होगा फाइनल अकाउंट के सवाल के अंदर आपके पास सेल्स आ रही होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही होगी नॉर्मली चांसेस यही है कि आपको कॉस्ट ऑफ सेल में एक लाइन आइटम में कहानी दी जाएगी तो उसमें आपने लिख लेना ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इस तरीके से लिख के फर्ज करते हैं अज्यूम करते हैं परचेजेस आपकी आ रही थी दो लाख रुपया जो ट्रायल बैलेंस में से आई आपने ये ट्रायल बैलेंस से आपने वैल्यू लिखी और एबनॉर्मल लॉस हो गया आपको आ, चार हजार का आपने ये वाली एंट्री पास की अब यहां पर आएगा जीपी जीपी के बाद आ रहे होंगे एडमिन एक्सपेंसेस अभी एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर चला जाना चाहिए एडमिन एक्सपेंसेस हम एज्यूम कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस में आ रहे थे पचास हजार ये आपने पहले से लिखे हैं अब आपने ये वाली एंट्री पास की अब नॉर्मल लॉस एक्सपेंस डेबिट डेबिट में डेबिट ऐड होता है यहां पर चार हजार डेबिट हो जाएगा और डेबिट में से क्रेडिट लेस होता है ये परचेजेस में से क्रेडिट लेस हो जाएगा चार हजार दिस इज वी कैन परफॉर्म दी फाइनल अकाउंट क्वेश्चन इजीली जस्ट एंट्रीज हमें आती हों चीजों को फिर आगे हम प्लेस कर सकते हैं एंट्रीज नहीं आती होंगी फिर नहीं हो सकता फिर प्लस माइनस की साइंस तो हो ही नहीं ना सकती पॉसिबल ही नहीं है कम से कम आधा हिस्सा तो आता होता है तो दूसरा हिस्सा वैसे ही जरा सा अंडरस्टैंडिंग करें तो आ जाता है एबनॉर्मल लॉस सिस्टम पर होगा तो बस एक साइड चेंज होगी अब इन्वेंटरी क्रेडिट हो जाएगी अब जब इन्वेंटरी क्रेडिट होगी तो इन्वेंटरी कहीं और लिखी जा रही होगी एबनॉर्मल लॉस प्लस इन्वेंटरी क्रेडिट लेस अब इस सूरत में क्या होगा इस सूरत में यही वाली एडजस्टमेंट कुछ ये आ रही होगी एक साइड इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में नहीं जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो जाएगी नहीं ये वाली चीज ऐसे आ रही होगी फिर परपैचुअल सिस्टम फिर आपकी कहानी सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी लेस एडमिन एक्सपेंस ये एडमिन एक्सपेंसेस में चार हजार एड होगा और फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो आपकी करंट एसेट है करंट एसेट में इन्वेंटरी है क्लोजिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक की ट्रायल बैलेंस वाली फिगर जोनसी भी होगी उसमें से चार हजार क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा तो ये परपैचुअल सिस्टम की हो गई कहानी और पीरियडिक सिस्टम की हो गई कहानी के कौन सी सिचुएशन होगी तो तब क्या करना है आपने एंट्री देखनी है उस एंट्री के हिसाब से एडजस्टमेंट ने जाना है अब अगला स्टेप। आपको हो गया लॉस अब आपको हो रहा है चार हजार का लॉस लेकिन उस लॉस में होगी बचत लॉस में बचत ऐसे होगी कि आपने इंश्योरेंस करवाई हुई थी और इंश्योरेंस वालों ने कहा हाँ क्या लॉस हो रहा है हम आपको तीन हजार दे देंगे तो अब तीन हजार आपकी हो गई कि ये वाले पैसे आप, आपको मिलने हैं और मिलने वाला ये आपका होता है करंट एसेट और एबनॉर्मल लॉस जो आपका चार हजार लॉस होने जा रहा था ये लॉस हो गया आपका कम रेलिवेंट एक्सपेंस आपका हो गया कम जोन सा भी लॉस होने जा रहा था तो आप उसको क्या कर देंगे क्रेडिट अब अगर मैं ये कहूं के तीन हजार हमें बचत हो जाएगी तो हमने योरी एंट्री पास की ये एंट्री पास करेंगे तो एक अदद रिसीवेबल का अकाउंट आ जाएगा यहां पर आएगा इंश्योरेंस रिसीवेबल अब हमारा लॉस कम होने जा रहा है इंश्योरेंस रिसीवेबल तीन हजार डेबिट डेबिट में डेबिट ऐड होता है और एक्सपेंस क्रेडिट एक्सपेंस में बचत हो गई ये दो लाइन आइटम्स आ गई एक ही एडजस्टमेंट में कहा नॉर्मल लॉस हो गया और साथ ही कहा हां हमें कुछ इंश्योरेंस क्लेम भी मिल जाएगा इससे और ये एग्री हो गया है तो आपकी लॉस में क्या हो गई कमी आ गई एग्जामिनर ने ऐसी दो एडजस्टमेंट लिख दी होंगी प्लस फोर थाउजेंड माइनस थ्री थाउजेंड यहां पर अगर जाए तो ये चार हजार नहीं है तो ये हो गई हमारी कहानी लॉस से भी रिलेटेड और ये वाली एडजस्टमेंट ये वाली बातें हिस्टोरिकली पास्ट पेपर्स में आई हुई है उन्हीं में से मैंने मेजरली जो एडजस्टिंग एंट्रीज होती है वो एक्सट्रैक्ट की हुई है अगली कहानी तो आसान है बैड एट डेबिट डेटर क्रेडिट आपकी एक्चुअल राइट ऑफ

तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेबल एक्रूड इंटरेस्ट लिखा हो सकता है इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल इनकम आपकी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो अभी रिसीव होने वाला है तो रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर हमने पे किया है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट कैश क्रेडिट अगर हमने रिसीव किया है तो कैश डेबिट सिक्योरिटी डिपॉजिट क्रेडिट अब आती है इसकी एडजस्टिंग एंट्री एंड एडजस्टमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड रॉन्गली रिटर्न इन एक्सपेंसेस या फिर ऐसे लिखा हो एक्सपेंस इनक्लूड्स सिक्योरिटी डिपोजिट एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट में डेबिट एड होता है और डेबिट में से क्रेडिट लेस होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड रॉन्गली लिखा जाए कि इनकम में लिखा गया तो इसका लिखा होगा इनकम इनक्लूड्स सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड तो अब इनकम में गलत लिखा हुआ है तो इनकम को कर दो डेबिट या सेल्स या रेवेन्यू जहां पर लिखा गया उसको कर दो डेबिट और सिक्योरिटी डिपोजिट पेबल जो लाइवी बनती है उसको कर दो क्रेडिट इसकी नेचर भी क्रेडिट इसकी नेचर भी क्रेडिट तो क्रेडिट में से डेबिट लेस होता है और क्रेडिट में क्रेडिट एड होता है जी हैव यू गॉट द पॉइंट क्या आपको कुछ कुछ आसानियां होती नजर आ रही हैं थोड़ी बहुत रिविजन में कुछ जर्नल एंट्रीज कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों फाइनल अकाउंट पहले बहुत मुश्किल लगता था अब आसान लगता है गुड हो गया जी लग रहा है ठीक है जी मार्कअप एंड मार्जिन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दे तो अब आप बताएं कि मार्कअप और मार्जिन का क्या कॉन्सेप्ट है मैंने तो अगला ही लिखा हुआ है पॉइंट ही मेरा वही वाला था मार्कअप और मार्जिन का ही पॉइंट था आप बताएं आपने क्या सीखा हुआ है क्या समझ लगी हुई आपको क्यों जी मार्जिन सो किया करते हैं कि सो ये सो ये होगा वो होगा वो लिखा हुआ एक अच्छा सा लंबा एम एक आ गया मार्कअप हम कॉस्ट पर कैलकुलेट करते हैं मार्कअप में कॉस्ट सो परसेंट होती है और प्रॉफिट उसमें ऐड होता है मार्जिन में सेल्स सो पे होती है और क्या इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती हैं कि जब रिवर्स पैक करना होता है या आगे फॉरवर्ड करना होता है कि किसको सो लेना है किसको सो नहीं लेना इन्वेंट्री so? के अंदर जब आप जाते हैं और आप कॉस्ट से कभी सेल्स पे जाना होता है कभी सेल्स से कॉस्ट पर आना होता है ऐसा होता है कभी आई थिंक सो होता होगा जी होता है चल अब बड़ा ही आसान सा तरीका कार है हमने सो कुछ भी नहीं एज्यूम करना कुछ भी एज्यूम नहीं करना दो फार्मूलाज हैं फार्मूलाज के ऊपर फोकस करना है इन्वेंट्री के पास ही कर लेते हैं ए यहां पे कर लेते हैं यहां पर ए ये आ गया जी मार्कअप मार्जिन मार्कअप होता है जी परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स मार्कअप का फार्मूला चूंकि ये कॉस्ट के ऊपर होता है प्रॉफिट अब मैं जस्ट इसके फार्मूले के ऊपर जा रहा हूं ये बना कैसे है ये कहानी फिर नहीं ये कॉस्ट है ब्रैकेट मल्टीप्लाई होनी है इसके साथ क्या नहीं है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होना है चूंकि ये कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट है वन प्रॉफिट ऐड होता है कॉस्ट में वन प्लस आर दूसरी साइड पर जाएगी सेल्स ब्रैकेट ने मल्टीप्लाई होना है किससे अगर परसेंटेज ऑफ कॉस्ट होगी तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई होना है और अगर परसेंटेज ऑफ सेल्स होगी तो सेल से ब्रैकेट ने मल्टीप्लाई होना है दूसरी साइड कॉस्ट हो जाएगी और सेज में से प्रॉफिट ने माइनस होना है कहानी खत्म अब आपके पास टोटल तीन वेरिएबल्स हैं तीन वेरिएबल्स चाहिए वाला फार्मूला चाहिए वाला फार्मूला तीन में से कोई से दो अवेलेबल हैं, तो तीसरा मालूम हो सकता है फर्ज करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज थी पंद्रह परसेंट और हमें कॉस्ट गिवन थी 1700 हमें सेल प्राइस पर पहुंचना है हम क्या कहेंगे हमें कॉस्ट गिवन है मार्कअप लगना है परसेंट पंद्रह परसेंट ऑन कॉस्ट लिखा हुआ तो ये इसका मतलब मार्कअप लगना है मेरे पास कॉस्ट गिवन है सत्रह वन प्लस जीरो पॉइंट वन फाइव करूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा यही चीज गिवन है इधर पंद्रह परसेंट ऑन सेल्स लिखा हुआ है और आपको कॉस्ट यू है सत्रह सो तो अब आप क्या करेंगे आप कहेंगे ओके कॉस्ट गिवन क्यू या मुझे सत्रह सो मैंने फार्मूला लिखा सेल प्राइस पे आना है वन माइनस जीरो पॉइंट वन फाइव रीअरेंज करें तकसीम वन को मल्टीप्लाई कर रहे करेंगे हो गई एक एग्जांपल आप अपने तरीके से भी कीजिएगा और ये हो गया मेरा तरीका अगली कहानी हम सेल अज्यूम करते हैं कि सेल गिवन है, सेल गिवन गिवन है हमारे पास पच्चीस सो रेट गिवन है सेल गिवन है पच्चीस सो और रेट गिवन है पंद्रह परसेंट ऑन सेल अब मैंने जस्ट ये पढ़ा और मैंने फार्मूला लिख दिया कि सेल से मल्टीप्लाई होना है तो दूसरी साइड कॉस्ट होगी वन माइनस रेट सेल में से माइनस करेंगे तो कॉस्ट पर पहुंचेंगे मार्कअप का फार्मूला ऑन कॉस्ट है तो ब्रैकेट ने मल्टीप्लाई होना है कॉस्ट से तो दूसरी साइड सेल हो जाएगी वन कॉस्ट uh, में प्रॉफिट एड होगा तो हमारा फार्मूला हो गया मार्कअप का अब मेरे पास सेल अवेलेबल वाल है मैंने पच्चीस सौ लिख दी कॉस्ट मालूम करनी है वन प्लस वन मेरे पास सेल प्राइस पच्चीस सौरोस्ट यहां पर आ जाएगी रीरेंज करेंगे पच्चीस सौ तकसीम वन पॉइंट वन फाइव इधर तो ऐसे ही आएगा पच्चीस सौ मल्टीप्लाई बाय जीरो आंसर आ जाएगा मुझे कहीं पर भी जरा सी भी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़नी है सो किसको रखूं किसको ना रखूं मजीद ब दो फार्मूले मजीद हैं प्रॉफिट का फार्मूला मार्कअप है ऑन कॉस्ट है सी आर फार्मूला बन जाएगा इधर एस आर फार्मूला बन जाएगा प्रॉफिट तो ये हमारा होगी कहानी मार्कअप और मार्जिन की इन सम वेरी इजी वे आउट विद ओनली टू फार्मूलाज एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी ऑन दीज टू फार्मूलाज ग्रॉसअप करना हो हंड्रेड परसेंट पे पहुंचना हो अगर आपको कोई परसेंटेज गिवन की हुई है उस वैल्यू भी गिवन की हुई है उसकी परसेंटेज से आप डिवाइड करते हैं तो आप क्रॉसअप करके हंड्रेड परसेंट पर पहुंच सकते हैं मार्कअप के मुख्तलिफ नाम है मार्कअप ऑन कॉस्ट मार्जिन ऑन कॉस्ट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कॉस्ट प्लस मार्जिन के नाम है मार्कअप ऑन सेल मार्जिन ऑन सेल प्रॉफिट ऑन सेल या जीपी ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज जीपी परसेंटेज ये मार्जिन के लिए इस्तेमाल होता है फॉर्मेट की थोड़ी सी रिवीजन कर ली जाए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर के सीडी को रेट से मल्टीप्लाई करें तो प्रोविजन आ जाती है ये एक फार्मूला है डेटर के बैलेंस को रेट से मल्टीप्लाई करें तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस आ जाता है एक सीडी से दूसरा सीडी वर्कआउट हो सकता है तो ये हमें सीडी या तो मिलेगा या ये एडजस्टमेंट होने के बाद आएगा और इस सीडी में कुछ एक दो स्पेसिफिक बंदे थे एक गुड था गुड के ऊपर जीरो परसेंटेज लगती है जिसका पता है कि जी ये, ये इसके पैसे नहीं मारे जाएंगे मसलन सिक्योर्ड डेटर है तो इसका पता है कि जी ये पैसे नहीं मारे जाएंगे हमारे पास सिक्योरिटी पड़ी हुई है स्पेसिफिक प्रोविजन एक बंदे की की है इसकी अलहदा से प्रोविजन होनी है इसकी हंड्रेड परसेंट भी हो सकती है अस्सी परसेंट हो सकती है पच्चीस परसेंट हो सकती है जो सी भी रेट गिवन होगा क्वेश्चन में वो वाला लेंगे और फिर बैलेंसिंग निकाल लेते होते हैं हम के बाकी के डाटा कितने रह गए हैं उसकी परसेंटेज पांच परसेंट सात परसेंट तीन परसेंट जो गिवन होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोविजन की वैल्यू आ जाएगी ये सीडी आ जाएगा टी अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन का पी एफ डी डी एक बी डी गिवन होगा तीन सौ से आपका सी डी वर्कआउट होके आ गया पांच सौ तो इसका मतलब है आपकी इंक्रीज इन प्रोविजन हुई है आपने कहा बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट आपकी ये इंक्रीज इन प्रोविजन वाली एंट्री पूरी हो गई दूसरी एडजस्टमेंट आपका बीडी आ रहा था 300 आपका सीडी आ गया 220 कैलकुलेशन करने के बाद अब आपकी 80 की एडजस्टमेंट हो रही है यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और बैड एंड डाउटफुल ऑफ प्रोविजन डिक्रीज इन प्रोविजन प्रोविजन की नेचर क्रेडिट होती है क्रेडिट में से डेबिट लेस होता है तो अलाउंस या प्रोविजन डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट ये एंट्री आपकी आ गई ये वाली डिस्काउंट लाउट की कहानी नहीं करनी चाहिए यह डिस्काउंट लाउट करने की जरूरत नहीं है ये पुराने जमाने में हुआ करती थी गलती से लिखी रह गई है रिकवरी और डेट कैश डेट कैश डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट होता है अक्सर औकात फाइनल काउंट के सवाल में ये बताया जाता है कि जी जो हमने बैड डेट पिछले सालों का रिकवर हुआ है वो गलती से डेटर में लिखा गया मींस ये एंट्री लिखी गई तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होता है हमें रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी पड़ती है कि डेटर में गलती से क्रेडिट कर दिया गया तो डेटर को कर दो डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस होना चाहिए क्रेडिट तो बैड डेट एक्सपेंस को कर दो क्रेडिट ये आपकी ईयर एंड एडजस्टमेंट जो कि फाइनल अकाउंट में होनी है कॉन्ट्रा एंट्री कॉन्ट्रा सेटलमेंट नेटिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत तो ये क्रेडिटर डेबिट डेटर क्रेडिट हो सकती है ये कोई भी पेएबल हो वो डेबिट हो सकता है किसी भी किस्म का रिसीवेबल हो वो क्रेडिट हो सकता है ले बच्चों आज इतना ही करते हैं और इन कल जो है एक आधा सवाल भी सॉल्व करेंगे और कुछ ये इन्वेंट्री की क्लोजिंग कर लेंगे इन्वेंट्री को कैसे डील करना है एक्रूवल की एडजस्टमेंट्स कुछ डील हो गई हैं ये समरी है मैं इन ये पीडीएफ जो है जो मेरा ग्रुप है वाला पर शेयर कर दूंगा और बाकी जहां जहां पर मैंने शेयर करवाया था लिंक स्टूडेंट्स को दिया था वहां पर भी ये दोनों चीजें मैं इंशाल्लाह शेयर करवा देता हूँ ठीक हो गया बच्चों तो ये आप लोग एंड एडजस्टमेंट करें अल्लाह ताला के फ़लो करम से आपको फाइनल अकाउंट में मुश्किल पेश नहीं आएगी बशरत ज़िंदगी इनशाला कल मुलाकात करते हैं बाकी के कॉन्सेप्ट डेप्रीसीशन उसके शॉर्टकट्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं मेरे पास मैं बहुत सारे काम शॉर्टकट्स में सिखाता हूँ इनशाला शॉर्टकट्स में आपको भी वो सीखने को इनशाला मिलेंगे तो उसके ऊपर बातें इनशाला कल करते हैं दुआओं में याद रखिएगा अपनी खसूस दुआओं में दुआओं की दरख्वास्त है और दुआओं की अशद ज़रूरत है अल्लाह ताला हम सब का नासिर हो जजाकल्लु खैर एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी इफ़ यू हैव यू मे आस्क ज़ज़ाक बेटा, इन्शाल्लाह कल मुलाकात होती है अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाही व बरकातु.